अभी रांची, राजधानी रांची में मौजूद है। यहाँ पे रिंग रोड, होचर रिंग रोड पड़ता है, जैसा कि लोकेशन आप देख सकते हैं। जस्ट यहाँ से गुजर ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला। करीब कितने बजे रात का हुआ, यहाँ के ड्राइवर से मिलते हैं। खैर, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। हादसा तो बहुत दर्दनाक दिख रहा है, जैसा कि व्यू आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिख रहा है यहाँ पे। और आखिर मैटर क्या है, यहाँ का ड्राइवर से पूछते हैं, जो कि आगे में बैठे हुए थे। खैर, उनका भी कंडीशन सही लग रहा है, तो यहाँ पे वो ड्राइवर, उनसे सारा कुछ समझते हैं आखिर मैटर क्या है। तो भैया जी, गाड़ी आप ही चला रहे थे? जी सर। हाँ, थोड़ा लाउड में बोलिएगा। ये कितना बजे की घटना है? ये रात 2:30 बजे का है। 2:30 बजे का। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम पतरातु से लौट करके अंगुल जा रहे थे जिंदर। अच्छा, तो रात का समय है, तो रात का समय में हो सकता है आपको नींद आ रहा होगा। कि क्या क्या सिचुएशन था जो ऐसा हुआ? नींद नहीं आ रहा था। हाँ, हमको होटल खोज रहे थे। अच्छा, होटल खोजते खोजते हम रिंग रोड में घुस गए। ठीक है। रिंग रोड में तो होटल है ही नहीं, लाइन होटल ना। तो मैं सोचा आगे पम्पे जा करके गाड़ी खड़ा कर दूंगा, रात में नहीं चलाऊंगा। तो वहाँ से मैं 10 किलोमीटर तक ठीक अकेला आया। उसके बाद में मेरे पीछे एक स्कॉर्पियो लगा है। अच्छा। स्कॉर्पियो नया है, उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है। अच्छा। पीछे पूरा सादा था। अच्छा। वो स्कॉर्पियो मेरे को 2 किलोमीटर पीछे से आगे पीछे करके मेरे को दहना दाबने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं दबा रहा, दबा रहा लास्ट में जाके, आगे में जाके मेरे को ब्रेक मार करके मेरे को धीरे कर रहा, मेरे को रोक रहा है। अच्छा अच्छा। उस पर भी नहीं रुका, तो लास्ट में यहाँ पे आने के बाद में मेरे को वो मतलब पहले डंडा दिखाया, डंडा से भी मैंने सुना, मेरा खिड़की गेट सब तो बंद था ना। अच्छा। मैं डंटा भी नहीं सुना, मैं अंदर का लाइट जला कर कोई इशारा किया, क्या बात है? तो वो डायरेक्ट बोला गाड़ी खड़ा करो। मैं बोला नहीं करेगा। तो फिर वो निकाल के पिस्टल दिखा रहा। अच्छा अच्छा। तो पिस्टल दिखाया तो भी हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिए। तो एक स्पीड बढ़ाने के बाद आगे जा करके मेरे को धीरा रहा, ब्रेक मार के छोड़ दे रहा। तो उसका छोटा गाड़ी है ना, उसका ब्रेक मार लग रहा, मेरा तो नहीं लगेगा ना। उसका चार आदमी बैठा हुआ, मेरा में 40 टन। उस वक्त आपका स्पीड क्या था, बता सकते हैं? मैक्सिमम 40 की स्पीड। 40 की स्पीड में था। तो चलिए आगे चलिए। तो हम आपको बताने का प्रयास यहाँ से ये करना चाहते हैं कि ड्राइवर साहब जो अपनी मालगाड़ी लेके जा रहे थे, इसी के बीच में कोई स्कॉर्पियो का बंदा था। स्कॉर्पियो का बंदा पिस्तौल दिखा के इस तरह का करने का कोशिश किया, जो कि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे गया, जो कि ऐसी ड्राइवर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा घटना हो गया। इससे क्या कि इसमें जान भी जा सकती थी। शायद वो कोई क्या था, वो व्यक्ति पिस्तौल दिखा रहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? वो कौन हो सकता है? अब वो कौन हो सकता है? देखिए, कच्चा माल लोड है, करोड़ों रुपये का चीज है। हाँ। या तो इसको लूटने के लिए कर रहा है, मेरे को लूटेगा क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 हजार रुपया। हाँ। उम्मीद है इसी को लूटने के लिए वो कर रहा है। अच्छा जी, आप इसके बाद किसके किसको इन्फॉर्म किया? आपको कितना देर बाद होश आया यहाँ पे गिरने के बाद? 2 मिनट में आ गया। 2 मिनट में होश आ गया। 2 मिनट में होश आया। फिर कोई निकाला या फिर कैसे, क्या सीन हुआ? निकल गया, खुद ही निकल गए। उसके बाद किसी को इन्फॉर्म किए हैं? किसी को इन्फॉर्म किए हैं? इन्फॉर्म पहले रात में एक ड्राइवर, सब तो कॉल किया, सब सोया हुआ था। अच्छा। तो सुबह 4 बजे के आसपास एक ड्राइवर का कॉल आया, उसको मैं प्रॉब्लम बताया हूँ। तो बोला साहब लोग को फोन लगाओ। तो उधर रात में मैं डिस्टर्ब नहीं किया हूँ, सुबह 6 बजे कॉल किया हूँ, सुबह 6 बजे बाद बताया हूँ, तो आ रहा है सब रास्ते में, 1 घंटा में सब पहुँच जाएगा। पहुँच जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इससे कि आपके साथ जो ये घटना हुआ, तो इससे आप किसे दोषी मानते हैं? आप अपने को दोषी मानते हैं या जो वो कार ड्राइवर था जो स्कॉर्पियो से जा रहा था, पिस्टल दिखा रहा था कि बहुत घटना को अंजाम दे गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? वो तो अपना चक्कर में कर रहा था, वो अगला के जान का फिक्र नहीं किया। चाहता तो मैं ब्रेक ले लेता तो चारों उड़ा सकता था, लेकिन चारों मारने के बाद में मैं अपने आप रोड पे आ जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया। मेरा गलती यही था कि मुझे रात में ये रोड घुसना नहीं चाहिए था, लेकिन ये रोड का जानकारी मेरे पास नहीं था। इतना बड़ा घटना हुआ, सब सरकार को दोषी देते कि रोड का कंडीशन खराब है, रोड का कंडीशन खराब है, लेकिन इसमें कोई आदमी का जो पिस्टल दिखा के आपके साथ गलत व्यवहार किया, जिसकी वजह से डिवाइडर में टकरा के आपका ये इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, इसमें लगभग कितना का नुकसान होगा आप बता सकते हैं? इसमें नुकसान तो नहीं, कितना तो कम से कम 5 लाख रुपए का चला जाएगा। 5 लाख का नुकसान हो गया। टायर सब नया है मेरा, एक टायर, एक जोड़ा टायर आता है कम से कम 40 हजार से ऊपर, रेडियल टायर है। हाँ। 40 से 54 हजार रुपए एक रे। तीन तो चार टायर फटा है, बस माल उल्टा है, पूरा डैमेज हो गया, केबिन गया, 5 लाख का 10 लाख रुपए पकड़ जी। गाड़ी इंश्योरेंस में थी ना? हाँ, इंश्योरेंस का। गाड़ी इंश्योरेंस में थी ना? अभी तो गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह दिखेगा, होगा, कंडीशन सही है? आगे में नंबर प्लेट है। तो खैर, गाड़ी का नंबर प्लेट ये है OD19U8043, गाड़ी का नंबर है। तो यही दुर्घटना हुआ यहाँ पे। जी बोलिए। एग्जिट कंपनी का है। एग्जिट कंपनी। तो आप बेसिकली जा कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे ये बता दें? हम पतरातू से लोड किए थे। हाँ। लोड करके हम अंगुल जिंदल उड़ीसा जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतना बड़ा घटना हो गया, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। रात को कोशिश करें कि अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि इतना बड़ा घटना अंजाम हो गया है। बाकी भैया
कोशिश करेंगे कि इसका जो है इंश्योरेंस का ज़्यादा दिक्कत ना हो, और बाकी जो वो घटना का अंजाम दे गया अगर वो पकड़ा जाता है किसी तरह तो उस पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। बाकी कोई आपका नंबर प्लेट वगैरह दिखा गाड़ी का जो आपके साथ हो सके? गाड़ी है ना उसमें नंबर प्लेट उसको मिला ही नहीं लग रहा है। अच्छा, क्योंकि पूरा सादा ही प्लेन था वो। अच्छा, कुछ नंबर भी रहता या कुछ निशानी भी रहता तो बोल सकता हूँ हाँ ऐसा गाड़ी था, व्हाइट कलर का गाड़ी है, स्कॉर्पियो है इतना जानता हूँ। लेकिन अब कहाँ का गाड़ी है वो, झारखंड का कहाँ का होगा, झारखंड का ही गाड़ी होगा क्योंकि झारखंड के बाहर का गाड़ी स्टेट में नहीं घुसे बिना नंबर का। आपका घर कहाँ, प्रॉपर कहाँ के है? मेरा घर बिहार के। अच्छा, बिहार के। खैर आपका सेहत सही रहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए। खैर गाड़ी तो आते जाते रहेगा लेकिन आप बच गए। खैर सही, ये देखा जाए तो बहुत गलत हुआ क्योंकि कोई स्कॉर्पियो वाला पिस्टल दिखा के इस तरह का बड़ा घटना का अंजाम दे गया जो कि बहुत दर्दनाक घटना है। खैर इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और डिवाइडर भी काफ़ी हैवी टाइप से डैमेज हो गया है यहाँ पे। गाड़ी जो है फ्रंट टायर जो है चढ़ गया होगा इसमें, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी तरह से पलट गया। सुनिए भैया, ये करीब घटना हुए कितना देर हो रहा है? रात का 2 बजे हुआ है। रात को 2 बजे हुआ, अभी तक कोई पुलिस सहयोग PCR वगैरह कोई आया? जी नहीं, कोई जी नहीं आया, मैं फ़ोन किया 3 बजे। अभी अगर बात करें टोल प्लाजा की, यहाँ पे टोल प्लाजा भी लगने वाला है, आप स्थिति देख सकते हैं टोल प्लाजा कितना टैक्स मारा जाएगा, लेकिन एक एम्बुलेंस तक भी यहाँ पे नहीं आ पाया, अब PCR भी नहीं आ पाया। अगर चलान की बात करें तो अगर रोड में डबल हेलमेट ना हो, ट्रिपल आदमी हो तो आपको चलान हैवी टाइप से काट दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब ये शर्म करने वाली बात है, समझ रहे हैं ना? कि अगर इसमें किसी का जान भी जा सकता था इसमें, जो कि रिंग रोड के समय पर एम्बुलेंस भी आना चाहिए था और PCR भी आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। करीब कितना घंटा हुआ होगा बता सकते हैं? दस घंटा में कोई नहीं आया आपको देखने के लिए। और ये राजधानी रांची का ये हालत है रिंग रोड का, तो आप समझ सकते हैं गांव शहर में क्या होता होगा। तो इस पे हम लोग को विचार करने की बात है। बाकी ये वीडियो जो है आपको, और आपके साथ में कोई सहयोगी थी, खलासी वगैरह कोई भी सहयोगी नहीं थे, तो ये सब शर्म करने वाली बात है। हम लोग को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे रांची, राजधानी रांची का रिंग रोड है जो कि ये होचर पड़ता है लोकेशन। तो बाकी ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।